फ्रेंड्स, मैं हूँ आदित्य। आप देख रहे हैं गार्डनिंग टिप्स आ रही है और आज मैं बताऊंगा जो मैं नर्सरी गया था आज, वहाँ से कुछ मैं प्लांट्स लाया हूँ और आज मैं उनके नाम और रेट बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इनके नाम और रेट बताना। ये है बादाम, ये असली बादाम है जो खाया जाता है, और इसका एक पॉइजनस वाला भी आता है, वो नहीं खाया जाता, उसे खा के आप बीमार भी पड़ सकते हैं। और ये मुझे पड़ा था 25 का। चलिए इसको रखते हैं, मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा ये है अजूबे की फैमिली से है, अजूबा यानी पत्थर चट्टा की फैमिली से है ये। तो देखिए ये सर्कुलेंट है, ये देखिए, ये मुझे पड़ा था 20 रुपीज़ का। चलिए अब दूसरा दिखाते हैं आपको। ये है क्रोटन, ये हार्डवुड प्लांट होता है, ये इसकी हार्डवुड कटिंग है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हार्डवुड कटिंग है, ये देखिए फ्रेंड्स की, ये देखिए। और ये मुझे पड़ा था 20 रुपीज़ का, ये भी पड़ा था फ्रेंड्स। और ये आला दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये है, ये एकदम बोगनविलिया की तरह लग रहा है, लेकिन ये है सावनी। मुझे इसका इंग्लिश में नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका फूल कुछ इस तरह होता है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसमें मेरे पास पिंक कलर भी है, इसमें बीज भी बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसका बीज, ये इसका बीज है। और ये मुझे 10-10 रुपए के मिले थे दोनों, और ये कटिंग से लगाए गए हैं फ्रेंड्स। और इसका मैं पिंक कलर भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका पिंक कलर है फ्रेंड्स, ये देखिए। इन दोनों में ही बीज बनते हैं। और अब मैं आपको, और ये काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, और ये मेरी लोकल नर्सरी में बहुत ही अच्छे मिल रहे थे, इसलिए मैंने ले लिया। अब मैं आपको दिखाने आ रहा हूँ लोरो पेटलम, जिसे हिंदी में लाल घास भी कहते हैं। और ये एक पॉलीएज प्लांट है जो कि हमेशा हरा भरा रहता है, जल्दी जल्दी सूखता नहीं है। ये देखिए, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा था। ये गार्डन की बाउंड्री बनाने के यूज़ किया जाता है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा है, लेकिन ये गार्डन की बाउंड्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने इसके 2 प्लांट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बारिश के बरसात के मौसम में कटिंग कैसे लगाई जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।